नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सिंपल टैक्स सपोर्ट चैनल। और आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपकी कौन सी उन पांच बुरी आदतों की वजह से आपकी जो बैटरी होती है, फ़ोन की बैटरी होती है, वो जल्दी डिस्चार्ज होती है और उसकी जो लाइफ है वो कम हो जाती है। यानी कि अगर आप उसको चार्ज प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं या फिर कुछ ऐसे काम करते हैं जिसकी वजह से आपकी जो बैटरी है वो पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाती है, तो उसमें मैं आपको टॉप 5 चीज़ें बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जब भी अपने फ़ोन को चार्ज करें या फिर अपने फ़ोन को जैसे ही पावर से कनेक्ट करें, आप अपने फ़ोन का जो कवर होता है उसको हटा लीजिए। जी हाँ, उसमें होता यह है कि आपके जो हीट होती है फ़ोन की वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाती है, वो एग्जॉस्ट नहीं हो पाती है। उस वजह से होता ही है कि आपकी जो फ़ोन है वो हीट ज़्यादा रहती है और बैटरी की जो इंटेंसिटी है, इंटरनल जो उसकी सर्किटरी है, वो कहीं ना कहीं हीट होती है, जिसकी वजह से उसकी जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। तो आप अपने फ़ोन को चार्ज करते समय सबसे पहला काम करिए कि अपने फ़ोन का कवर को हटा दीजिए। उसमें ही मैं आपको दूसरी बात बता दूं कि आप जब भी अपने फ़ोन को चार्ज करें तो उसका जो पावर चार्जर है, मतलब उसकी जो रेटिंग है, वो हमेशा अपने फ़ोन की ही एक्यूरेट के बराबर होनी चाहिए। यानी कि आपका जो फ़ोन है उसका जो वोल्टेज है, मतलब वही वोल्टेज जो आपके चार्जर आया था और जो वही ओरिजिनल चार्जर के बराबर का ही चार्जर आप यूज़ कर सकते हैं। कोई और चार्जर भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें आपको एम्पियर की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो वोल्टेज है वो सेम होना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपके जो सर्किट है वो फ़ोन का ख़राब होने के और बैटरी ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। उसी में मैं आपको बता दूं तीसरी चीज़ कि अगर आप जब भी अपने फ़ोन को चार्जिंग पर लगाएं तो उसमें आपको एयरप्लेन मोड को ऑन करना चाहिए या फिर आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ भी कर सकते हैं, लेकिन स्विच ऑफ करना इतना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो इंपॉर्टेंट फ़ोन है वो आ सकते हैं। तो आप अपने फ़ोन में जो एयरप्लेन मोड है उसको आप ऑन कर सकते हैं, जिसमें होगा ये कि आपकी जो बैटरी है वो जल्दी चार्ज हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपका बैटरी जब आप ऑन कंडीशन में चार्ज करते हो तो आपका जो नेटवर्क है वो कहीं ना कहीं उसको सर्च करता रहता है, जिसकी वजह से जो बैटरी है उसकी जो पावर है वो कहीं ना कहीं डिस्चार्ज भी होती है, चार्ज के साथ साथ वो डिस्चार्ज भी होती है, तो उसका जो टाइमिंग है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा लग जाता है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बता दूं कि आप जब भी अपने फ़ोन को रिचार्ज करें तो उसको आप ऐसा ना करें कि आप उसको 100% ही चार्ज होने दें, या फिर कभी भी आप ऐसा ना करें कि उसको 0% ही चार्ज होना है। कुछ ना कुछ लोग ऐसे करते हैं कि अगर फ़ोन 100% भी चार्ज हो जाता है तो उसको चार्जिंग पे लगा रहने देते हैं, जिससे कि वो सोचते हैं कि उनकी जो पावर है वो कहीं ना कहीं 100% से भी ऊपर हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप अपनी अभी भी अपनी मैक्सिमम जो कंडीशन है वो फ़ोन की आपको मैक्सिमम कंडीशन रखनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 90% आप अपने फ़ोन को चार्ज रखिए, उसके अलावा कभी भी अपने फ़ोन को डिस्चार्ज ना होने दें। महीने में आप एक बार ऐसा कर सकते हैं कि अपने फ़ोन को पूरा का पूरा डिस्चार्ज कर सकते हैं और उसको पूरा का पूरा एक बार चार्ज कर सकते हैं, जिससे कि उसकी जो साइकिल है वो कहीं ना कहीं आपकी सही हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट चीज़ बता दूं कि आप जब भी अपने फ़ोन को चार्ज करें तो प्रॉपर, जैसे मैंने बताया था कि आप प्रॉपर तरीके से उसका चार्जर यूज़ करें। कुछ लोग करते ये हैं कि अपने फ़ोन को ज़्यादातर अपने लैपटॉप या अपने पीसी से कनेक्ट करके रखते हैं, जिससे कि वो चार्ज तो हो जाता है लेकिन वो कहीं ना कहीं उसकी जो टाइमिंग है वो बढ़ जाती है और जो बैटरी है उसको कहीं ना कहीं ज़्यादा समय तक चार्ज होने के लिए काम करना पड़ता है, जिससे कि जो उसकी इंटरनल सर्किटरी है और इंटरनल जो उसके पार्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं ज़्यादा वर्क करते हैं, जिससे कि जो बैटरी की फूलने की जो प्रॉब्लम होती है वो कहीं ना कहीं आ जाती है। हालांकि चार्जर से चार्ज करना और लैपटॉप या पीसी से चार्ज करने में वैसे कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जब आपको फ़ोन में कोई ज़्यादा टाइम लगता है तो कहीं ना कहीं उसकी जो इंटरनल सर्किटरी है और साथ ही फ़ोन में जो फूलने की जो प्रॉब्लम होती है वो कहीं ना कहीं आ जाती है और फ़ोन जल्दी से डिस्चार्ज आपका होने लगता है। यानी कि आप अभी भी अपनी फ़ोन की लाइफ को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। इन चीज़ों से ही आपकी जो फ़ोन की बैटरी की जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं बढ़ सकती है और साथ ही आपका जो फ़ोन की बैटरी है वो ज़्यादा दिनों तक काम कर सकती है। तो मैं समझता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।